आ रहा है टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा शो। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं बिग बॉस OTT 3 की, जो कि इस साल जून में शुरू होने वाला है। इस बार इस शो में ट्विस्ट ये आया है कि इस शो को भाईजान नहीं बल्कि अनिल कपूर होस्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, बायोग्राफीज केव में आप सभी का स्वागत है। भाईजान की होस्टिंग को तो लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन अब देखना ये होगा कि अनिल कपूर की होस्टिंग को लोग पसंद करते हैं या फिर नहीं। बिग बॉस OTT 3 के कंटेस्टेंट को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। क्या आप सब जानते हैं कि इस बार बिग बॉस OTT 3 में कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल बायोग्राफीज केव को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन से कंटेस्टेंट हैं जो कि बिग बॉस OTT 3 का पार्ट बनेंगे। नंबर 1, दिलबर आर्या। दोस्तों, पॉपुलर पंजाबी एक्ट्रेस दिलबर कई पंजाबी सॉन्ग्स में काम कर चुकी हैं। इसी के साथ इन्होंने बॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है और अब ये बिग बॉस OTT 3 में नजर आने वाली हैं। नंबर 2, अदनान शेख। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अदनान शेख, जो कि फैसो की टीम 07 का भी हिस्सा हैं, और अब रिपोर्ट्स के अनुसार ये बिग बॉस में भी नज़र आ सकते हैं। नंबर 3, पंकित ठाकुर। टीवी का एक पॉपुलर चेहरा, जिन्होंने साल 2001 में एकता कपूर के पॉपुलर शो कभी सौतन कभी सहेली से अपने करियर की शुरुआत की, और अब ये भी बिग बॉस OTT 3 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नंबर 4, शिवांगी जोशी। टीवी का एक पॉपुलर चेहरा शिवांगी, जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है से पॉपुलर हुई, और ये रियल लाइफ में भी नायरा के नाम से जानी जाती हैं। अब कहा यह जा रहा है कि बिग बॉस सीजन 3 में शिवांगी जोशी भी नजर आने वाली हैं, और इस बात को लेकर फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। नंबर 5, रोहित खत्री। पॉपुलर यूट्यूबर और फिटनेस ट्रेनर, जो कि काफ़ी बड़े फिटनेस ट्रेनर हैं, और दिल्ली में इनकी खुद की जिम है, और ये र्यूमर्स हैं कि रोहित भी इस साल बिग बॉस सीजन 3 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नंबर 6, सदाकत खान। मुनव्वर फारूकी के करीबी दोस्त सदाकत खान को भी बिग बॉस OTT 3 मेकर्स ने अप्रोच कर लिया है, और ये भी बिग बॉस सीजन 3 में नज़र आने वाले हैं। नंबर 7, लवकेश खत्रिया। दोस्तों, बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव के बहुत करीबी दोस्त और भाई लवकेश खत्रिया बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जैसे ही इनको बिग बॉस मेकर ने अप्रोच किया तो इन्होंने फौरन से हाँ कर दी। नंबर 8, रियाज अली। दोस्तों, रियाज जिनकी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, रियाज को मेकर्स ने अप्रोच किया है, और ये भी बिग बॉस सीजन 3 में नज़र आने वाले हैं। नंबर 9, करण सुमी। ये प्रोफेशन से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं, और ये भी बिग बॉस OTT सीजन 3 में नज़र आ सकती हैं। नंबर 10, शेजान खान। फलक नाज के छोटे भाई शेजान खान पिछले साल खतरों के खिलाड़ी में नज़र आ चुके हैं, और अब ये बिग बॉस OTT 3 में नज़र आने वाले हैं। नंबर 11, शहजादा धमी। छोटी सरदारनी और ये रिश्ता क्या कहलाता है से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले एक्टर बिग बॉस में नज़र आने वाले हैं। नंबर 12, सना सईद। दोस्तों, 1998 की मूवी कुछ कुछ होता है में छोटी अंजलि की भूमिका निभाने वाली सना ने काफ़ी मूवीज़ में काम किया, और ये भी इस साल नज़र आने वाली हैं बिग बॉस सीजन 3 में। नंबर 13, प्रतीक्षा होनमुखी। ये भी रिश्ता क्या कहलाता है का पार्ट रह चुकी हैं, और रिपोर्ट्स के अनुसार ये शहजादा के साथ बिग बॉस का पार्ट बनेंगी। नंबर 14, दिलजीत कौर। अपने सेकंड अवार्ड्स के बाद मेकर्स की नज़रों में आने वाली दिलजीत कौर भी बिग बॉस में नज़र आने वाली हैं। आपको बता दें कि दिलजीत कौर बिग बॉस 13 का भी हिस्सा रह चुकी हैं, लेकिन ये एक वीक के बाद ही एलिमिनेट हो गई थी। अब बिग बॉस ने इन्हें सेकंड चांस दिया है। दिलजीत कौर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। नंबर 16, तुषार सिलावत। दोस्तों, ये भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और ये भी इस साल पार्टिसिपेट करने वाली बिग बॉस OTT सीजन 3 में। तो दोस्तों, ये थे बिग बॉस के कंफर्म कंटेस्टेंट, जो कि जून साल 2024 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं बिग बॉस OTT 3 में।
वैसे आप इन सब में से किसको देखने के लिए एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही आप हमें ये भी बताइएगा कि क्या आपको भाईजान की होस्टिंग अच्छी लगती थी या फिर आपको अनिल कपूर भी उनकी जगह अच्छे लगेंगे। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल बायोग्राफीज़ केव को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो देखते रहिए बायोग्राफी Please give.